वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हम ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं लेते ताकि आप लोग जो है कहीं इधर उधर ना हो. और आई एम श्योर कि आप जब मेरा प्रोग्राम लगता है तो आप इधर उधर नहीं होते. और जो रिमोट को है ना वो साइड पे रख दिया करें, क्योंकि मुझे जो अपनी मेरी आदत है, मैं आपको बताऊं कि मैं टिक 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 करके चैनल चेंज करती रहती हूं. और मुझे पता है कि अक्सर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे होते हैं और आपको भूल जाता है. इसलिए मेरे प्रोग्राम में आपने बिल्कुल भी जो है ना रिमोट को हाथ नहीं लगाना, आपने साइड पर कर देना है. एनीवेज अभी हम बात करेंगे. हमारी जो कॉलर थी वो इतनी स्वीट थी, उन्होंने ये भी बताया कि हाँ ये वैसे अरेंज मैरिज भी कभी कभार नहीं चलती, इसलिए लड़कों को जो है वो थोड़ा सोच समझ कर इस तरह यू नो अपने पेरेंट्स पे फैसला छोड़ना चाहिए. तो अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है. हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप, बड़ी ही म्यूजिकल किस्म की लाइन ड्रॉप हुई है. एनीवेज हम बात कर रहे थे पौजिया की, उन्होंने एक और बहुत बड़ी मज़े की बात की थी. उन्होंने ये कहा था कि शादी से पहले लड़के इतना पैम्पर करते हैं और शादी के बाद जो एकदम से वो आपको यू नो इतना बड़ा आपको धोखा लगता है और धचका लगता है कि वो बिल्कुल चेंज हो जाती है लाइफ और वो फैंटसी जो है फैंटसीज वहीं पर रह जाती हैं. और लोग सबसे बड़ी बात है घर वाले, वो जो शोशा होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, लड़की वापस उनके घर आ जाती है और फिर पता चलता है कि ये वो लाइफ नहीं है जो हमने सोचा था. तो बी के फुल और इस तरह के जो है अपनी पूरी जिंदगी के फैसले इस तरह नहीं कर लेते होते और सोच समझ के करने चाहिए. एनीवेज हमारे पास एक और कॉलर है तो हम एक और कॉल लेते हैं. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है. मैं आबिदा बोल रही हूँ हाफिजाबाद से. आबिदा कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं. बहुत आज अच्छी लग रही हैं आप, बहुत फ्रेश लग रही हैं. अच्छा, थैंक यू सो मच. आप मुझे ये बताएं कि हमारा टॉपिक कैसा लग रहा है आपको. मैंने अभी ये ऑन टीवी क्योंकि लाइट अभी आई है. ओए होए, चलें फिर भी आ तो गई ना. जी तो अभी मुझे टॉपिक का तो नहीं पता है. अच्छा, दरअसल आपने एक प्रॉमिस मुझसे किया हुआ था. अब मैंने आपको भूल गया. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे का प्रॉमिस भूला. आपने हमें गाना भी सुनाया था है ना. जी, और आपने कहा था कि आप यहाँ पे आना भी चाहती है ना. जी, तो मैं अब मेरी बाकी जिंदगी जो वेट करने में गुजर जाएगी. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ज़्यादा वेट नहीं करना है, पूरी ज़िंदगी वेट नहीं करा रहे आपसे. क्योंकि देखें हर चीज़ जो है ना वो बड़ा स्कीमेटिक हमें चलानी पड़ती है और बड़ी सिस्टमेटिकली हमें आगे लेके जानी होती है. तो वो प्रोसेस में है चीज़ें, और मोस्ट प्रॉब्ली हम आपको ज़रूर बुलाएंगे. और आप बिल्कुल दिल छोटा ना करें और आप हमारा शो देखती रहा करें और आपकी पार्टिसिपेशन. मैंने सारे चैनल छोड़ दिए हैं, सिर्फ मैं आपका चैनल देखती हूँ. सुबह जो जी सहेली प्रोग्राम लगता है उसमें मैंने बहुत सी कॉल्स की हैं. अच्छा, तो उन्होंने भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, प्रॉमिस किया है कि हम आपको जरूर प्रॉमिस अगर हमने किया है ना तो फिर बस पूरा जरूर होगा. और ए प्लस का प्रॉमिस है, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हम नहीं पूरा करेंगे. मैं भी बस आशा हो चुकी हूँ कि लेकिन ये एक आपको मैं आपको काम की बात बताऊं, ये लोगों को बताना छोड़ दें. पता है जब आप लोगों को बताना शुरू हो जाते हैं ना कि हाँ शायद हम वहाँ जाएं, शायद हम वहाँ जाएं, तो आप नहीं, बहुत नहीं, सारे लोगों किसी की को ना बताया कि बात मेरे दिल में है. अच्छा, और काफी मैं इसको ना फील करती हूँ. नहीं, जरूर आपको बुलाएंगे. आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, आपकी जब पहली कॉल आई थी ना तब मेरी अम्मा देख रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आबिदा को जरूर बुलाओ. मैंने कहा अम्मा आप बहुत नोट कर रही हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा था मुझे आबिदा आपको खुश करना हम लोगों को बनता है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, तो हम डेफिनेटली आपको जरूर बुलाएंगे. और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आबिदा. आबिदा इससे अच्छा स्वीट कॉलर, और उन्होंने कहा है कि वो आना चाहती हैं, तो आई एम श्योर कि हम उनकी दिल की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे. एक और कॉलर हमारे पास मौजूद है, अब हम उनसे बात करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? माजिद बात कर रहा हूँ. आप कैसी हैं? आपका रेगुलर कॉलर. बिल्कुल ठीक अदन, आप ही आप मुझे ये बताएं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है माजिद? आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है. आप मुझे बताएं, आप मैं जब से ये स्टार्ट हुआ शादी नहीं हुई. अच्छा अच्छा, आपकी शादी नहीं, आप क्या सवाले से जो अब तक जो चीजें देखी है ना उसमें 60% जो है ना वो अपना अरेंज मैरिज जो है वो कामयाब हुई है. कामयाब हुई है क्योंकि वो हाँ वो इस वजह से कामयाब होती है कि वो माँ बाप ने की होती है, तो कल को कोई मसला भी हो ना तो माँ बाप कुछ कहते नहीं है बच्चों को. हाँ सही बात है, लेकिन वाजिद आप मुझे ये बताएं. दीदी आपके बात मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि फिर ऐसा जब लड़कों ने अरेंज मैरिज ही करनी होती है तो शादी से पहले इतने अफेयर क्यों चलाते हैं लड़कियों के साथ? हाँ बिल्कुल, शादी से पहले बातें कुछ होती हैं, लेकिन शादी के बाद जो है ना मियां बीवी को दोनों को
अपना वो करना चाहिए एक दूसरे पे भरोसा, और ताकि फिर ही जिंदगी कामयाब होती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच माजिद। हमारा टॉपिक कुछ और था, अरेंज मैरिज हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं कि इवन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि शादी मटेरियल और गर्लफ्रेंड मटेरियल, ये इन दोनों में क्या फर्क है? यू नो कि आप क्यों गर्लफ्रेंड मटेरियल को आप शादी से पहले रखते हैं और उसे शादी नहीं करते, क्यों, क्या वजह? तो अभी हमारे पास एक कॉल है, हम कॉल लेंगे। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं कराची से राहिल बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं आप, मुझे ये बताएं कि आपने हमारा टॉपिक सुना है, आप मुझे बताएं कि आप कराची में इतनी दूर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा क्या ख्याल है? हाँ, इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो उसको उस लड़की से शादी करनी चाहिए, लाजमी। अच्छा, यहाँ पे प्यार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इस तरह हो रहा है कि आप यू नो कमिटमेंट कर लेते हैं पहले और उसके बाद उससे कहते हैं कि ये वो टाइप नहीं है, शादी वाली टाइप नहीं है ये, फिर कहते हैं तो शादी आप अम्मी अब्बू के मर्जी से करते हैं ना लड़के। हाँ, ये जो लड़के करते हैं गलत करते हैं वो। हाँ सही बात है ना, क्यों हमारी दो माँ बहनें होती हैं तो इनको चाहिए कि अपनी माँ बहनों के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है? हाँ देखिए, पहले सोचना चाहिए ना कि ये माँ बाप को पसंद आएगी कि नहीं, उसके बाद फिर चलाना चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इन्होंने हमें कराची से कॉल किया और अब हम वापस अपने गाने की तरफ आएंगे क्योंकि हमें गानों को नहीं भुलाना फिर, क्योंकि आप लोग शिकायत करते हैं कि मैं बोलती रहती हूँ और यू नो मैं गाने नहीं प्ले करती हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम गाना चलाने लगे हैं और ये गाना है शहबाज़ खान का और इन्होंने एक बड़ा ही बुल्ले शाह का कलाम इन्होंने दोबारा गाने की कोशिश की है और देखते हैं कि कैसा गाया है इन्होंने। लेट्स गो एंड वॉच सॉन्ग। ना मैं मोमन वेच मसीता, ना मैं वेच कुफर दिया रीता, ना मैं अंदर भेद किताबा, ना विच भंगा ना शराबा, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुला की जाना गोरी, ना मैं भेद मजहब का पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना हिंदू ना तुर्क पिशोरी, ना मैं रहंदा विच नदून, मैं तू होर न कोई सयाना, बुला शाकाना है कौन, बुला की जाना भारी, कोई करो हमारी कारी, बिन दर्शन कैसे तरिए, अब लगन लगी के करिए, बुला की जाना प्लेजेंट सॉन्ग इट वॉज और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि देखें बहुत सारे लोगों ने ये कलाम गाने की कोशिश की है लेकिन वो यू नो कुछ मैंने बहुत एक और इंडियन भी एक थे सिंगर उन्होंने बहुत तेज़ी तेज़ी में गाया था वो पता नहीं चलता इन्होंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके यू नो इसके लिरिक्स पता चल रहे हैं और असल में इसका मीनिंग पता चल रहा है दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा हमारे पास एक कॉलर मौजूद है हम उनसे कॉल लेंगे। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं भी ठीक हूँ। कुरतुलन अली मलिर कराची। कुरतुलन अली, बड़ा अच्छा नाम है आपका। वैसे आप मुझे ये बताएं कि आप हमारा टॉपिक सुन रही थी, कैसा लगा आपको? जी मुझे ठीक है जवाब देना है। अच्छा, दोस्ती करनी चाहिए लेकिन दोस्ती की हद तक रहना चाहिए, लड़कों को इतना फ्री नहीं करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। लड़कियाँ आप जैसी होनी चाहिए अकलमंद। ऑब्वियसली अगर आपकी दोस्ती होगी तो सारी जिंदगी का सफर आसानी से कट जाएगा। इसी के साथ मैं ब्रेक पे जाऊंगी और इसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसे बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है। तो आई विल कैच यू आफ्टर ब्रेक।